दोस्तों नमस्कार, आप सभी के लिए आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो उस कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर का जो है आपसे कई बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पूछ ले जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है 5 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्लियर करने वाले हैं। पॉइंट इस प्रकार से है, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, PPI, एस्पेक्ट रेशियो और फ्रेम बफर। इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर याद करवाने वाला हूं। तो इसी प्रकार के अगर आपको ये वीडियो टेक्निक्स अच्छी लगे तो सभी कमेंट बॉक्स में नीचे यस जरूर टाइप कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से इजी लैंग्वेज में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आप तक मैं पहुंचा पाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर पिक्सल्स क्या होता है। वैसे अगर आपने 2018 का विद्युत विभाग का IA का जो एग्जाम दिया होगा तो वहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया था कि किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने जो भी इमेज डिस्प्ले हो रही होती है, हम किसी का भी इमेज जब देख रहे होते हैं, तो उस इमेज के अंतर्गत जब आप उसको जूम आउट करेंगे, जूम आउट की जो लास्ट लिमिट आपके खत्म हो जाती है, तो वहां पर आपके सामने आता है एक पिक्सल्स। या फिर हम जब छोटे थे तो हम टीवी को ऐसे एकदम नजदीक से देखते तो वहां पर छोटे छोटे दाने हमें नजर आते थे, तो उनको हम पिक्सल्स कह सकते हैं। तो पिक्सल्स की एक अच्छी सी डेफिनेशन आप अपने पास जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी इमेज या स्क्रीन का सबसे छोटा जो भाग होता है वो पिक्सल कहलाता है। पहला पॉइंट आप सभी के लिए क्लियर हो चुका होगा, यही छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं वो मिलकर जो है एक इमेज का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपके लिए यहां पर रेजोल्यूशन। ठीक है, आप कई बार आप देखते हैं कोई भी इमेज आप जब क्रिएट करते हैं फोटोशॉप के अंदर या जब डिजाइन करते हैं तो उसको आपको बताते हैं कि इसका रेजोल्यूशन ये है। तो आखिर ये रेजोल्यूशन है क्या? सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको याद रख लेना है कि एक जो रेजोल्यूशन होता है वो विड्थ और हाइट से मिलकर बनता है। ध्यान रखिएगा, जो एक विड्थ होती है और एक जो हाइट होता है, ये दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। रेजोल्यूशन मीन्स क्या है? एक आपके पास जो भी इमेज है उसका लेवल, उसके अंदर डिटेल्स कितनी कंटेंट की गई है, वो आपके रेजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, यानी एक जो विड्थ है और एक जो हाइट है वो मिलकर रेजोल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उस जो इमेज का जो लेवल है वो कितना डिटेल्ड कंटेंट है ये आपको कौन बताता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजोल्यूशन बताना है। ठीक है, जैसे आप मेरी यूट्यूब के ऊपर फुल लेंथ वीडियोज देखते हैं, ठीक है, जिसमें आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो उसका एक जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1080p बाई आपका 1920। और अगर आप उसी इमेज को, यानी यहां पर अगर मेरे पास ये मोबाइल है, अगर आप इसमें शॉर्ट्स वीडियो देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, तो उसका जो है रेजोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें यहां पर ये आपकी हाइट और ये आपका विड्थ शो कर रहा होता है। हाइट यहां पर आपकी जो है ये 1080p है और ये आपका रेजोल्यूशन है 1920। अगर मैं इसी वीडियो को इस बेस पर अगर देखता हूं तो यहां पर आपका जो ये जो है वो होगा आपके विड्थ 1920 एंड जो इसका हाइट होगा वो होगा 1080p। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है उसके अंदर कितनी डिटेल्ड जो है वो कंटेंट है। रेजोल्यूशन किससे मिलकर बनता है? याद रखिएगा, रेजोल्यूशन विड्थ और हाइट से मिलकर बनता है। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तीसरा पॉइंट होता है आपका PPI, जिसको RBI के कई बार एग्जाम में और SSC जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। जो PPI है, सबसे पहला इसका जो फुल फॉर्म है आप सभी अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, यानी जब भी हम कोई भी एक इमेज देख रहे होते हैं तो उसमें पर इंच में कितने पिक्सल्स हैं। अब जब भी दिमाग में आपके पिक्सल्स आएगा तो पिक्सल्स का मतलब होगा कि इमेज का सबसे छोटा भाग। तो अगर मेरे पास कोई भी इमेज अगर शो हो रही है तो उस इमेज में कितने पिक्सल्स है, याद रखिएगा, तो एक इंच में कितने पिक्सल्स है, तो यहां पर यह जो चीज होती है वो आपके कौन बताती है? PPI। PPI मतलब होता है आपका पिक्सल्स पर इंच। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। चलिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक रेजोल्यूशन वर्ड, रेजोल्यूशन के अंदर आपको मैंने बताया था ये जो है विड्थ और हाइट के बेस पर जो है यहां पर इसको मापा जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले जाए कि ये जो PPI है ये कैसे मापा जाता है, तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्रीन का तो विड्थ और हाइट वही रहेगा। लेकिन एक पॉइंट जो है इसके अंदर आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी हमें PPI इसका जो PPI होता है स्क्रीन का या जो इमेज है, हमें जब भी इसका PPI माप करना होता है, यानी पिक्सल्स पर इंच ज्ञात करना होता है, तो हम जो है इसको विड्थ और हाइट पे ना रखे, इसको डायगोनली मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये एक
स्क्रीन है या इमेज है, आप इसको यहां पर ऐसे समझिएगा, अगर इसको मैं बीच में से ऐसे देखो ट्रायंगल की बेस पर अगर इसको मैं फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दूं, ये जो डायगोनली इसको कर दूं, तो इस प्रकार से आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो ये एक आपका जो स्क्रीन है, इमेज है, तो इसके अंदर इसको हम जो है डायगोनली यानी इस बेस पर हम जो है इसको इस प्रकार से यानी बीच में अगर आप इसको डायगोनली बांट देते हो तो एक त्रिभुज ऊपर रह जाएगा और एक त्रिभुज जो है वो नीचे रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी इमेज या पिक जो आपकी स्क्रीन होती है उसका पीपीआई कैसे मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए हम डायगोनली जो है उसको मापते हैं। तो डायगोनली मापते हैं तो इसके अंदर एक जो है एल्गोरिथम यूज में लिया जाता है जो कि होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। याद रखिएगा जब भी पीपीआई मापते हैं उसको डायगोनली मापते हैं, और उसके लिए आप कौन सा जो है एल्गोरिथम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज में लेते हैं। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, और आशा करता हूं यहां तक के कॉन्सेप्ट जो है आपको याद हो चुके होंगे। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चौथा पॉइंट आप सभी के सामने रखते हैं जो कि आता है आपका एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो यानी जब भी आप एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं, आप जब नया मोबाइल लेने जाते हैं या कोई भी इमेज या पिक्सल्स के बारे स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर अगर रेजोल्यूशन वर्ड अगर आप यूज नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपको बोलते हैं इसका एस्पेक्ट रेशियो ये होना चाहिए। आपने इंस्टाग्राम की और यूट्यूब शॉर्ट्स की रील्स वगैरह बनाते हैं तो वहां पर आपको साइज जो है बताते हैं, यूट्यूब गूगल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपको कई बार लोग बताते हैं तो वहां पर बताते हैं इस वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो ये होना चाहिए, इसका एस्पेक्ट ये रेशियो ये होना चाहिए। तो आखिर एस्पेक्ट रेशियो जो होती है क्या होता है, तो एस्पेक्ट रेशियो के अंदर वही आपका विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप विड्थ में हाइट का आपको जो है डिवीजन करना है। ठीक है, जो आपका डिवाइड करेंगे तो आपका एस्पेक्ट रेशियो आपको ज्ञात हो जाता है। ये विड्थ और हाइट आपको ध्यान रखिएगा कि विड्थ के अंदर होता है कि आपके इतने पिक्सल्स विड्थ में रखे गए हैं और इतने पिक्सल्स आपके हाइट के अंदर रखे गए हैं, तो W बटा H करेंगे तो आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए जिसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो कि है फ्रेम बफर। ठीक है, अब बफर पॉइंट का जैसे दिमाग में आता है तो आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने क्लासें ली थी वो अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपको मैंने एक बफर मेमोरी के बारे में बताया था। तो अब जैसे ही बफर का पॉइंट आता है तो आप सभी बोल रहे होंगे ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेज आपको देखने को मिल जाता है। जो बफर मेमोरी होती है, फ्रेम बफर मेमोरी, आपकी वीडियो होती है तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेम्स उसके अंदर क्रिएट होते हैं, लेकिन बात यहां पर ये आ जाती है कि ये आखिर फ्रेम बफर मेमोरी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेम बफर मेमोरी का मतलब होता है कि आपके जो भी इमेज डिस्प्ले करवाई जा रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो भी इमेज डिस्प्ले करवाई जा रही होती है स्क्रीन के ऊपर, तो उस इमेज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा फ्रेम बफर मेमोरी के अंदर स्टोर करवाई जाती है, फ्रेम बफर के अंदर स्टोर करवाई जाती है। ये पांच पॉइंट थे जिसको हमने यहां पर क्लियर किया है। ठीक है, यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट हमने क्लियर किया था वो था पिक्सल्स, उसके बाद रेजोल्यूशन, उसके बाद पिक्सल पर इंच यानी पीपीआई, उसके बाद हमने यहां पर पढ़ा है एस्पेक्ट रेशियो, और उसके बाद हमने यहां पर सबसे लास्ट में क्लियर किया था फ्रेम बफर, जिसमें से अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पूछने जा रहा हूं जिसके आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जिनको समझ में आ चुका है। सबसे पहला आप सभी के लिए क्वेश्चन है जो कि है कि किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग जो था वो कौन सा होता है, और दूसरा प्रश्न है आपके लिए पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हमें एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।